जो गलत है, निर्णय गलत है, पूरी तरह से बर्बरतापूर्वक लाठियां महिलाओं पर जो बरसाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ये अनर्थ है। केवल अंचलाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर इतने लोगों का मकान तोड़ना कहाँ का न्यायपूर्ण है। आज जिन लोगों को जमीन अधिग्रहण करके लिया भी गया है, उन लोगों को मुआवजा भी मिलने का काम नहीं हुआ है। आपके समक्ष है, एसएसबी से लेकर सीबीएसई से लेकर सीआरपीएफ से लेकर मुआवजा मिलने का काम नहीं हुआ है। तो ये जो घटना घट रही है, घटना करके काफ़ी निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से निंदा भी करता हूँ और चिन्हित करके आपको पूछना चाहिए कि आखिर में ये जमीन के आलोक में जो लिए जा रहे हैं वो किनके लिए लिए जा रहे हैं। जो भी लिए जा रहे हैं, जिन बातों को कहा जा रहा है वो मिसलीड किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन अभी ने कहा था कि आपके खिलाफ लोग हैं, लोग आपके खिलाफ हैं, क्षेत्र में बोल रहे थे और डीएम ने भी कहा है कि अवैध है। आज अवैध तय करने वाले, जब दीघा बंदोबस्ती एक्ट जो बना है उस एक्ट के तहत बहुत सारे निर्णय दिए गए हैं, वो निर्णय क्या गलत है? आज न्यायालय के आलोक में जो एक्ट बनने का काम हुआ है, वो एक्ट दीघा विधान बिहार विधानसभा के तरफ से जो पारित हुए हैं उसमें स्पष्टतः वर्णित है कि आपको मुआवजा किन लोगों को देना है, जो रेगुलराइज करना चाहते हैं किन लोग रेगुलराइज कराना चाहते हैं। तो इन विषयों पर वो एक्ट का क्या हुआ, इस साफ तौर पर एक्ट का उल्लंघन भी है।